भारतीय जनता पार्टी के कोसी कला नगर पालिका के लिए चेयरमैन पद की दावेदारी पर उतरे प्रत्याशी धर्मवीर अग्रवाल ने अपनी धर्मपत्नी ज्योति अग्रवाल और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुसज्जित रथ पर खड़े होकर समर्थन मांगा। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर अग्रवाल पत्रकार ने कोसी के भगवती रोड सब्जी मंडी घंटाघर बलदेवगंज पर नुक्कड़ सभा कर वोट मांगी। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि अब तक कुछ लोगों ने कोसी की जनता के साथ छल किया है, जिसके चलते कोसी में विकास का पहिया जाम हो गया है। नाले नालियां जाम होने के कारण पूरे नगर में बगैर बरसात के जलभराव बन रहा हुआ है। बाहरी कॉलोनियों में सभी रास्ते बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा, अब की बार प्रदेश सरकार कोसी में चहुमुखी विकास कराएगी और नए कोसी की स्थापना भी होगी। कौन सी सरकार जो माननीय योगी और मोदी जी की सरकार हो, ऐसी सरकार हमको बनानी है। बिना मोदी जी और योगी जी के हम कोसी कला की समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 5 साल आपने भुगते हैं, हमने भुगते हैं। कोसी कला के अंदर छलावा हुआ है और हमारी एक सबसे बड़ी धारणा है, यदि भारतीय जनता पार्टी के रूप में व्यापारी बंद होने एक मुक्त होकर समर्थन दिया तो ये मान लेना कि बाजार की सुरक्षा को यदि कोई आंच आ गई तो धर्मवीर पत्रकार का जीना दुश्वार है, बेकार है। हम व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमने एक योजना दी थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिलेगी तो हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, यदि बाहरी प्रदेशों से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या पुलिस वाला कोसी कला के बाजार के अंदर आएगा तो उसको यूं ही छापेमारी नहीं करने दी जाएगी। सबसे